देखिए आपको 11वां पद दिया हुआ कितना 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73। ज्ञात क्या करना, आपने 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए 11वां पद हमें दिया हुआ, तो इसका मतलब a प्लस 10d दिया हुआ है। a प्लस n, n या 11, 11 में से गए 10d। a प्लस 10d कितना दिया, 38। और 16वां पद है तो a प्लस 16 माइनस 1 15d, कितना हो जाएगा 73। तो अब देखिए ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, जिसे हम विलोपन विधि से आसानी से हल कर लेते हैं कि समीकरण एक में से दो घटाने पर समीकरण दो घटाने पर क्या आएगा, a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का और माइनस का ये 0 हो जाएगा, प्लस 10d माइनस 15d माइनस 5d बचेगा, और ये माइनस का 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3, माइनस 35 आ गया। डी बराबर माइनस 35 वटे माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 सत्ते 35, डी बराबर आ गया 7। डी बराबर 7 समीकरण एक में रखने पर, डी बराबर 7 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 10 गुणा 7 38 और 1 बराबर 38 माइनस 70, ए बराबर 38 माइनस 70, 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, माइनस 32। तो ए बराबर माइनस 32, यहाँ से a बराबर माइनस 32 और d बराबर हमें प्राप्त हुआ 7। अब पूछा क्या है 31वां पद, 31वां पद होगा a प्लस 30d, तो रख दीजिए वैल्यू इसमें माइनस 32 प्लस 30 गुणा 7, माइनस 32 प्लस 7 210, तो 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 3 गए 7, 178। तो 31वां पद होगा 178, इसलिए 31वां पद बराबर 178 होगा। अब प्रश्न नंबर 8, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम सातवें क्वेश्चन की तरह से हैं कि एपी में 50 पद दे रखे हैं, यानी एन बराबर दे रखा है 50, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कितना दे रखा है 12, अंतिम पद 106 है। देखिए टोटल 50 पद है और अंतिम पद अर्थात कि 50वां पद दे दिया इसने कितना, 106। और पूछा क्या है 29वां पद, तो देखिए तीसरा पद यहां पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब a प्लस 2d दे दिया, a प्लस 2d कितना हो गया 12, इसे समीकरण एक मान लेंगे। और यहाँ से 50वां पद यानी a प्लस 50 माइनस 1 49 डी बराबर 106, इसे समीकरण दो का नाम दे देंगे।
फिर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या होगा, समीकरण एक में से दो घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर ए प्लस 2D बराबर 12, ए प्लस 49D बराबर 106 घटाएंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, -47D बराबर 106 में से 12 माइनस होंगे तो 94 विद नेगेटिव साइन। तो डी बराबर -94, डी बराबर -94 बटे -47, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 से कम 47, 47 दूनी 94, तो डी बराबर आ गया 2। डी बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, डी बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो ए प्लस 2 × 2 बराबर 12, ए प्लस 4 बराबर 12 और ए बराबर कितना आ जाएगा 8। अब देखिए डी आपके पास आ गया, ए आपके पास आ गया, अब आपने क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद जो है वो ए प्लस 29 में से गए 28 डी के बराबर होता है। ए हमें पता है 8 प्लस 28 डी 2, 8 प्लस 56, 56 प्लस 8 64, तो 29वां पद जो है वो कितना होगा, 64 होगा, जो कि आंसर है दिए गए क्वेश्चन का। आगे प्रश्नावली 5.2 का 9वां क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमश से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ देखिए कि तीसरा पद दिया हुआ है 4 और 9वां पद दिया हुआ है -8, और ये पूछा है कि शून्य कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं कि n-वां पद जो है शून्य है और यहाँ से n हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से तीसरा पद है तो a प्लस 3 में से 1 गए 2D बराबर 4, और ये 9वां पद है तो a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8D आ जाएगा बराबर -8। ये समीकरण एक और ये समीकरण दो हो जाएगा। अब देखिए समीकरण एक में से दो घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर क्या होगा, ए प्लस 2D बराबर 4 और ए प्लस 8D बराबर -8 घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, प्लस ए और माइनस ए जुड़ करके 0 होगी, प्लस 2 -8 माइनस के 6 और D और 8 प्लस 4 12 और डी बराबर 12 बटे -6 यानी 6 × 12 माइनस के 2 आ जाएंगे तो डी बराबर आया -2। डी बराबर -2 समीकरण एक में रख देते हैं, डी बराबर -2 समीकरण
एक में रखने पर क्या होगा? ए प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4, ए माइनस 4 बराबर 4 या ए बराबर 8। अब ए हमारे पास आ गया, डी हमारे पास आ गया। अब हमें देखना है कि जीरो कौन सा पद है, जीरो हमने कौन सा पद माना, एनवा पद माना। तो ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 × d। तो एनवा पद 0, ए कितना है 8, प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी कितना है -2। तो यहाँ से 0 बराबर 8 प्लस -2 के एन के साथ गुणा -2 एन, -2 के -1 के साथ गुणा +2। ये 8 प्लस 2 10, 10 लेफ्ट में जाएंगे तो -10 बराबर -2 एन, और एन बराबर -10/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5। तो एन बराबर आ गया 5। तो दी गई एपी का पांचवा पद जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए दी गई एपी का पांचवा पद शून्य होगा। अब देखिए प्रश्नावली 5.2 का 10वां क्वेश्चन। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारव अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वें पद में से 10वां पद अगर मैं घटा दूं तो 7 बचेंगे। तो यहाँ पर माना प्रथम पद बराबर ए और सारव अंतर बराबर डी। उसके बाद ये लिखना है 17वां पद है तो ए प्लस 16 डी, और 10वां पद है तो ए प्लस 9 डी, और ये कुल मिला के कितना आया 7। तो ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर 7। प्लस का ए और माइनस का ए 0 हो गया, 16 में से 9 गए 7, 7 डी बराबर 7, और डी बराबर 7/7, 7 से 7 कैंसिल, 1 आ गया, डी बराबर 1। तो इसका सारव अंतर ही ज्ञात करना था, इसलिए सारव अंतर बराबर 1। बस छोटा सा क्वेश्चन था। अब 11वां क्वेश्चन। एपी दे रखी है कि 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले तो देखिए यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया हुआ 3 और सारव अंतर 15 - 3। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना an a 54 से 132 अधिक है, तो an में से a 54 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचना चाहिए, 132।
तो एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए 54 ए प्लस 53 डी बराबर 132। अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस 53 डी बराबर 132। प्लस ए और माइनस से आपस में कैंसिल, तो एन माइनस वन इंटू डी माइनस 53 डी बराबर 132। डी फिर कॉमन आ गया यहाँ से, डी कॉमन लेंगे तो एन माइनस एक माइनस 53 बराबर 132, यानी एन माइनस 54 हो गया इंटू डी बराबर 132। डी की वैल्यू कितनी है? 12। यहाँ पर या लगाते जाएं, या लगा दें या फिर इस तरह से इम्प्लाइज का निशान लगा दें। 12 गुणा एन माइनस 54 बराबर 132। तो यहाँ से एन माइनस 54 बराबर 132 बटे 12। 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। तो यहाँ से देखिए कि एन माइनस 54 बराबर आ गया 11। तो एन बराबर 11 प्लस 54, 11 प्लस 54 65। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 12 देखिए। दो समांतर श्रेणियों का सारव अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर दो समांतर श्रेणियाँ दी हुई है, दोनों का सारव अंतर समान है। तो माना प्रथम श्रेणी का पहला पद बराबर स्मॉल ए मान लेते हैं तथा सारव अंतर बराबर डी मान लेते हैं, और दूसरी श्रेणी का पहला पद ये कैपिटल ए मान लेते हैं तथा सारव अंतर तो यहाँ दिया गया है समान है तो वही रहेगा। अब कहता है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो प्रथम श्रेणी का 100वां पद बराबर ए 100 का नाम दे देते हैं, तो और दूसरी श्रेणी का 100वां पद कैपिटल ए 100 का नाम दे देते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या है? कहता है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इनके 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है? 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले तो यहाँ देखिए कि
पहली श्रेणी का सौवां पद किसके बराबर होगा? ए प्लस 100 माइनस 1 99 डी। और इसका ये दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या? कैपिटल ए माना तो कैपिटल ए प्लस 100 माइनस 1 99 और सारा अंतर वही है स्मॉल डी बराबर 100 दिया। ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी बराबर 100। प्लस 99 डी से माइनस 99 डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100 बचेगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? 1000 में पदों का अंतर। अब दोनों श्रेणियों का 1000 में पदों का अंतर बराबर एक 1000 माइनस कैपिटल ए 1000। तो यहाँ देखिए ये किसके बराबर होगा? ए प्लस 1000 माइनस 1 999 डी माइनस कैपिटल ए प्लस 1000 माइनस 1 999 डी। तो ये होगा ए प्लस 999 डी माइनस कैपिटल ए माइनस 999 डी। ये प्लस 999 है और ये माइनस 999, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या रहेगा? स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। तो ऊपर देखिए से आप समीकरण एक का नाम दे दीजिए। ए माइनस कैपिटल ए किसके बराबर था? 100 के बराबर। और यहाँ पर भी ए माइनस कैपिटल ए आया तो इसको मैं 100 के बराबर रख सकता हूँ। तो यहाँ पर कारण दे सकते हैं यूजिंग वन या एक से। तो इनके 1000 में पदों का अंतर भी कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। आगे प्रश्न नंबर 13। 3 अंकों वाली कितने संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो देखिए 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से स्टार्ट होती है और 999 पर ख़त्म होती है। तो देखिए इसमें से 7 से विभाज्य कौन सी संख्या है? सबसे पहली जो 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या, तो यहाँ 14 7 98, 98 तो 2 अंकों की है, तो 15 7 105। तो 105 जो है वो पहली संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। 105 के बाद 5 और 7 12, 112 मिलेगी। 112 के बाद 12 प्लस 7 19, 119 मिलेगी। और इसी तरह से अब लास्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि देखिए 999 को आप 7 से भाग दे लें, 7 एकम 7, 700 के 28 और 7 दुनी 14, शेष बच गया 5। तो ये 5 जो है वो 999 में से माइनस कर दें, 997 आ जाता है। तो लास्ट संख्या आ जाएगी 997। तो ये थोड़ा सा रफ करके देख लेना काम, लिखें क्या कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 105, 112, 119,
और 994। यहां देखिए कि क्रमागत पदों के बीच में 7 का अंतर है, इसलिए ये एपी है। यहाँ क्रमागत पदों में के बीच 7 का अंतर है, इसलिए यह सूची एक एपी है। अब हमें ये बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली सारी संख्याएं इस सूची में हैं, और यदि हम ये बता सकते हैं कि सूची में कितनी संख्याएं हैं, तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्याएं आ जाएगी, भी कितनी होती है। तो हम इसको मान लेते हैं कि एन वह पद है, और एन का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो एन होगा उतनी संख्या यहाँ पर होगी। तो माना ए एन बराबर 994, और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ प्रथम पद ए जो है वो कितना होगा, 105। सारवंतर डी जो है वो 112 माइनस 105 यानी 7 का हो गया। अब हम सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू रखिए कितना है, 994 बराबर ए की वैल्यू 105 प्लस एन, हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 7। अब देखिए 105 लेफ्ट में ले जाइए, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7। या देखिए 14 में से 5 गए 9, और 8, 9 में से 8 एक गए 8, तो ये हो जाएंगे 889 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7। तो यहाँ से एन माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 889 बटे में 7, ये 7 इधर जा करके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दुनी 14, 4 बचे 7 सात 49। तो यहाँ से एन माइनस 1 बराबर आ गया 127, तो एन बराबर 127 की 1 इधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर 128। एन बराबर 128 है, तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, इसलिए 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब प्रश्न नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए 10 के बाद 4 का गुणज, यानी 4 की टेबल में कौन सा अंक आता है, 4 3 12, यानी 12, 12 के बाद 12 प्लस 4 16, 16 के बाद 20, 4 की टेबल में यही आएंगे, आगे 4 4 प्लस करते जाएं। तो ये जो है 4 के गुणज आते जाएंगे, हमें ज्ञात करने 10 से लेके
250 तक, 10 से 250 के बीच, तो 10 से ज़्यादा तो 12 हो गया, उसके बाद अब 250 के नज़दीक देखना है कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। 4 6 24, 4 2 8, 2 से इस बच्चे का 2 माइनस कर लें, लास्ट आएगा 248। तो हम ये लिखेंगे इसके हल में कि 10 और 250 के बीच 4 से 4 के गुणज बराबर 12 16 20 24 248। तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ क्रमागत पदों के बीच में 4 का अंतर है, इसलिए ये एक एपी है। यहाँ क्रमागत पदों के बीच 4 का अंतर है, इसलिए यह है सूची एक एपी है। अब देखिए, हमें ये ज्ञात करना है कि गुणजों की संख्या कितनी है। तो इस एपी में पदों की संख्या बतानी है, तो लास्ट पद को एनवा पद मान लेते हैं और एन ज्ञात कर लेते हैं। जो एन का मान होगा उतने ही इसमें पद होंगे। तो माना ए एन बराबर 248, और प्रथम पद यहाँ ए हो जाएगा, प्रथम पद 12 है, और सारवंतर डी जो है वो 16 माइनस 12 अर्थात 4 आ जाएगा। अब देखिए कि हमारे पास सूत्र क्या है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना होगा, 12 प्लस एन माइनस वन। एन हमें ज्ञात करना, तो एन को एन ही रखेंगे, डी की वैल्यू 4 रख दीजिए, और ए एन कितना, 248। अब 12 लेफ्ट साइड में ले आइए, तो लेफ्ट में आकर के घट जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, 236 बराबर एन माइनस 1 गुणा 4, या एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 236, 4 इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20 और 3 बच गए 4 निमित 36। तो यहाँ से एन माइनस 1 बराबर 59 आ गया, और एन बराबर ये 1 इधर जा करके प्लस हो जाएगा, 59 प्लस 1 60। तो एन 60 आ गए, तो इसका मतलब इस सूची में 60 पद हैं। 60 पद है, 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं, इसलिए 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं।